हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं राजस्थान की फेमस सब्जी, जो कि शादी ब्याह पार्टियों में बनाई जाती है। और ये है बेसन गट्टे की सब्जी, जो बड़े ही आराम से घर के सामानों से बनाई है और बड़ी ही टेस्टी बनी है। तो चलिए बनाते हैं इसे। तो फ्रेंड्स, बेसन गट्टे की सब्जी बनाने के लिए मैंने एक कटोरी बेसन ले लिया है। इसे मैं अच्छे से छान लूंगी। अब इसमें स्वादानुसार थोड़ा सा डाल रही हूँ नमक और थोड़ी सी मिर्च, थोड़ा सा धनिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। अब इसमें पानी डाल के हम जैसे रोटी का आटा लगाते हैं ना, वैसे ही सॉफ्ट सा आटा गूंथ लेंगे। तो फ्रेंड्स, राजस्थान में है ना, सब्जी के बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं है, या यूं कहूँ कि वहाँ के लोग पैसा बचाने में विश्वास रखते हैं। तो जब भी सीजन चल रहा होता है सब्जी का, तो वो खूब सीजनेबल सब्जी खाते हैं और उनको खूब सुखाते हैं। जैसे काकड़ियों के टाइम में काकड़ियों की सब्जी सुखा, काकड़ी काट के सुखा देंगे, जिनको वो खेलरी बोलते हैं। चिबड़ काचर सुखा देंगे, ग्वारफली सुखा देंगे, काफ़ी सारी सब्जियां जो सुखा देंगे। और वैसे ही मूंग की बढ़िया बना ली, मोठ की बढ़िया, पापड़ सब बना के रखते हैं, ताकि जब उनका सीजन चला जाए तो वे बनाते रहे। और उन्हीं में से एक ये है गट्टे की सब्जी। और ये गट्टे की सब्जी राजस्थान की काफ़ी मशहूर सब्जी है, जो शादी ब्याह में भी बनाई जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हम आटा लगा लेंगे अपना। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा लग गया है। अब हमें इसको ऐसे ऐसे तोड़ के, ऐसे ऐसे लंबा लंबे बना लेना। बहुत ज्यादा मोटा नहीं बनाइएगा, मीडियम साइज का बनाएंगे। और इधर मैं गैस पे पानी गर्म होने के लिए रख रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी गट्टे रेडी कर लिए हैं और मेरा पानी भी गर्म हो गया है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, लेकिन जब पानी बॉईल हो जाए तभी आपने अपने गट्टे डाल देने हैं। अब इनको 5-6 मिनट के लिए पकने देते हैं। और तब तक मैं अपना प्याज और हरी मिर्च काट लेती हूँ। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गई है और हम अपने गट्टे चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ना 70% तक कुक हो गए हैं। अब हमें इतना ही कुक करना है फ्रेंड्स, बाकी हमें इनको मसालों के साथ भी पकाना है। अब मैं इसको साइड में रख देती हूँ। अब मैंने लिया है दूसरा पैन, इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमने एक कटोरी दही लिया है, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर और हल्दी पाउडर। आप अपने स्वादानुसार मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हो। इधर हमारा घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालते हैं जीरा। और ये हमारे चॉप किए हुए प्याज और हरी मिर्च। आप चाहें तो इसमें अदरक लहसुन, जो आपको पसंद है आप डाल सकते हो। प्याज को सुनहरा गोल्डन होने तक हमने पका लेना है। और इन मसालों को दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स,
हमारे प्याज हल्के गोल्डन कलर के हो गए हैं। आप चाहें तो प्याज को पीस के ग्रेवी बना के भी डाल सकते हो। अब जो हमने दही मसाले मिला के तैयार किया था वो दही इसमें हम डाल देंगे और लगातार हिलाते रहना फ्रेंड्स, नहीं तो हमारा दही फट जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, याद रहे कि हमारा दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब्जी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब इसको पकने देते हैं। और हाँ, जहाँ पे हमें पानी डालने की ज़रूरत पड़े ना, तो वहाँ पे हम वो गट्टों का पानी है वो ही पानी यूज करेंगे। इसको हिलाते रहना है, छोड़ना नहीं है जब तक इसमें एक उबाल आ जाए तब तक। ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपने सारे गट्टे इसमें डाल देंगे। अब इसको 5 से 6 मिनट के लिए मसालों में पकाएंगे, उसके बाद हमारे बेसन गट्टे की सब्जी रेडी है। और इसको सीम आंच पे रख देते हैं 5-6 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए हैं, ये देखिए हमारी सब्जी, ये देखिए। मुझे ये सब्जी ना थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, वही हमारे गट्टों वाला पानी। इसको 1-2 मिनट के लिए फिर से पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी एकदम से रेडी है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा कसूरी मेथी, आप चाहें तो इसे धनिया वगैरह भी डाल सकते हो। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, यदि आपको बेसन गट्टे की सब्जी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।